मेरा नाम श्रद्धा नारायण कदम है। मैं कक्षा सातवें में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम आनंद विद्या मंदिर इंग्लिश मीडियम स्कूल है। मेरा नाम समृद्धि अनिल ताके है। मैं भी कक्षा सात की छात्रा हूँ। अब मैं आपको काल के बारे में बताऊंगी। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब मैं आपको भूतकाल के बारे में बताऊंगी। भूतकाल बीते समय में होने का बोध होता है। इसके छह भेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम सब ने कल बाहर खाना खाया था। इस वाक्य में कल हमें होने वाले बीते समय के बारे में बता रहा है। अब मैं आपको वर्तमान काल के बारे में बताऊंगी। वर्तमान काल में मौजूद समय का बोध होता है। इसके भी छह भेद है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। इसका हम एक उदाहरण देखते हैं। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। यह हमें मौजूद समय के बारे में बता रहा है। अब मेरे दोस्त समृद्धि आपको भविष्य काल के बारे में बताएगी। धन्यवाद श्रद्धा। आइए तो अब हम भविष्य काल के बारे में जानेंगे। भविष्य काल आने वाले समय में होने का बोध होता है, यानी कि आने वाला भविष्य। भविष्य में जो क्रिया होने वाली है उसे भविष्य काल कहते हैं। उसके भी तीन भेद होते हैं, जैसे कि सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतुमत भविष्य काल। हम आइए अब उदाहरण देखते हैं। रमा भी सबके साथ जाएगी, यानी कि रमा सबके साथ जाएगी। रमा कब जाएगी? रमा भविष्य में जाएगी। यह हमें भविष्य में होने वाली क्रिया के बारे में बोध कराता है।